तनिक समाचार बटुए ब्रह्मपुर से रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। खाद के कालाबाजारी के रोके खातिर जिला कृषि पदाधिकारी दिन भर चलैनी औचक छापामारी। खबर का बा विस्तार से जानी। ब्रह्मपुर प्रखंड के अनेक पंचायत में खाद के कालाबाजारी के रोके खातिर जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम के द्वारा खाद के दुकान पर औचक छापामारी कैल गई। जौना में कुछ दुकान के नाम स्पष्ट रूप से नामांकित रहे, कुछ दुकान पर रेट लिस्ट के बोर्ड मानक के अनुरूप ना रहे, स्टॉक पूंजी के भी खामी पावल गई। इस प्रकार के लापरवाही से जिला कृषि पदाधिकारी रोष व्यक्त करत संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक के चेतावनी देनी। जीरो टॉलरेंस के ध्यान में रखत सब दुकानदार के हिदायत दिहल गई कि निर्धारित मूल्य से एक रुपया भी अधिक के उलेता तो फिर इनकर खैर ना हुई। प्रखंड में पदस्थापित सब कृषि कर्मचारी के भी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिहल गई कि सब कर्मचारी अपना अपना क्षेत्र के दुकानदार और किसान के संपर्क में बनल रहत। कहीं भी कोनो भी प्रकार के अनियमितता होकला पे तुरंत जिला कृषि कार्यालय के सूचना देश, अन्यथा यही स्थिति में संबंधित कर्मचारी के भी दुकानदार के साथ संलिप्त मानत वो पंचायत के कृषि समन्वयक किसान सलाहकार पे भी कार्रवाई हुई। छापामारी करे में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के साथ सहायक निदेशक पौधा संरक्षण गिरिराज कुमार, खाद बीज प्रभारी राकेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह, सहायक तकनीकी प्रबंधक विवेकानंद उपाध्याय और अन्य लोग उपस्थित रही। बता दें कि खाद के सीजन चलता है, खाद के सीजन में लगातार शिकायत मिलत रहे कि किसानन से खाद के रेट से मूल्य से 50-50 रुपया तक अधिक लिहल जा रहा बा, जेकरा एवज में विगत तीन कृषि मंत्री के आगमन भी भइल रहे, जौना में अमरेंद्र प्रताप सिंह कहले रही कि निर्धारित मूल्य से एको रुपया के हो अधिक लेता तो ओकर लाइसेंस रद्द करल जाओ, साथे साथ उनका FIR करल जाओ। यही क्रम में कृषि पदाधिकारी के औचक निरीक्षण लगातार कई गो दुकान पर भइल। हालांकि पहला दफा कुछ जना के रेट लिस्ट ना टंगल रहे दुकान पर, आ एकरा अलावे स्टॉक पूंजी ठीक ना रहे, हिदायत दे के छोड़ दिहल गई। लेकिन कहल गई कि अगला बार अगर छापामारी हो या कमी पावल गई तो FIR के साथ साथ भीतरियो जाए के पड़ी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करी। धन्यवाद।